हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूँ तस्खीर और इस वीडियो में मैं रिएक्ट करने जा रहा हूँ इन विच फील्ड इंडिया कॉपी पाकिस्तान। ओके, तो ये एक वीडियो है, पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन देखेंगे इसके ऊपर। इसमें ये भी लिखा हुआ है पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी गर्ल्स का अग्रेसिव रिएक्शन, कुछ ऐसे करके। तो देखते हैं इस वीडियो को, बाकी बात बाद में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। ओके, आज जो मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं पाकिस्तान के लोगों से, पाकिस्तान के यंगस्टर से ये पूछूंगा कि कोई ऐसी फील्ड बताएं जिसमें इंडिया पाकिस्तान को कॉपी कर रहा है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म के जवाबात मिलने वाले हैं। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सबा। सबा, थोड़ा सा ऊंची बोलेंगी? सबा। सबा क्या करती हैं? मैंने एमफिल किया है, आज अपने कन्वोकेशन पे आई हूं। ज़बरदस्त, कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा, मेरा आज का टॉपिक ये है कि आप मुझे बताएं कोई ऐसी फील्ड जिसमें इंडिया पाकिस्तान को कॉपी कर रहा है। नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि पाकिस्तान का खुद अभी फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान खुद एक परमानेंट कोई एक लाइन पे चल रहा है। कभी वो वेस्ट कल्चर को फॉलो कर रहा होता है, तो इसका हर सिस्टम अभी जो हुकूमत आई है उसकी वजह से हर चीज़ जो है वो डाउनफॉल में जा रही है। तो आपको नहीं लगता कि कोई भी ऐसी फील्ड है, अगर इकॉनमी की बात की जाए, एजुकेशन की बात की जाए, या फिर हेल्थ सेक्टर की बात की जाए, कोई भी ऐसी फील्ड जिसमें इंडिया ने कॉपी किया हो पाकिस्तान? आई डोंट थिंक सो, नहीं करा। तो क्या वजह है, पाकिस्तान किसी भी फील्ड में इंडिया से बेहतर क्यों नहीं, आप क्या समझती? आई थिंक पाकिस्तान की गवर्नमेंट में और जो भी ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए इनको करना चाहिए पॉलिसीज में, कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं है। कोई भी एक इनका मतलब कोई तरक्की की तरफ ये कोई पॉलिसी नहीं बनाते, और अगर बनाते भी हैं तो इम्प्लीमेंटेशंस नहीं होती। अगर हो भी रही होती हैं तो उसको मज़ीद आगे नहीं बढ़ाया जाता। तो मे बी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? एतजाज अहसन। एतजाज अहसन, कोरोना भी चला गया फिर भी आपने मास्क लगाया, क्या वजह है? यार, एक तो नया वेरिएंट है और दूसरा मंकी पॉक्स भी चल रहा है। मैं जहाँ पे रह रहा हूँ यहाँ पे मंकीज बहुत हैं, तो इसलिए थोड़ा ध्यान पे रहना पड़ता है। बहुत हैं, मुझे तो नहीं कोई नज़र आते, लेकिन चले आपने पता नहीं किस सेंस में बोला। मैं आज क्वेश्चन ये कर रहा हूँ, कोई ऐसी फील्ड बताएं जिसमें इंडिया पाकिस्तान को कॉपी कर रहा है। यार, इंडिया पाकिस्तान को, हम तो देखेंगे कि, तो यार हमारा जो कल्चर है, खासकर जो फीमेल कल्चर है, यहाँ पे जो ड्रेसिंग वगैरह है, मैंने अक्सर देखा हुआ है कि वहाँ पे वो बहुत, इसकी वो रुझान है, वो बहुत ज़्यादा कॉपी करते हैं। तो हमें तो इंडिया वाले ये दावा करते हैं कि भाई सारा कल्चर जो पाकिस्तान में है वो सारा कल्चर तो उनका है। नहीं, उन लोगों ने तो बरो किया हुआ है वेस्टर्न स्टाइल, और वेस्टर्न स्टाइल को अपने देसी के साथ मिक्स करके फिर हमारे यहाँ ऐसे समझे थोप रहे हैं। जो हमारा जो है प्योर देसी स्टाइल है, शलवार कमीज है, उसमें जो काम वगैरह है, वो मैंने देखा है अक्सर वो लोग कॉपी करते हैं। और मैं आपको कह रहा हूँ ना कि कॉपी करते हैं। आप कह रहे हैं, आपके कहने से क्या आप कह रहे हैं कॉपी करते हैं? मैं भी तो घुमा हुआ, पूरा पाकिस्तान घुमा हुआ, और इंडिया के मैंने पता नहीं क्या क्या दिखे। बचपन से टॉर्चर हो रहे हैं उनके, इतने टीवी चैनल्स हमारे पास आ रहे होते थे, उनके कल्चर वगैरह आ रहे हैं। अभी भी मैं उनके सीज़न वगैरह देखता हूँ, मैंने सारा कुछ देखा हुआ, ऑब्जर्व किया हुआ। आप कैसे कह सकते हो? यार, मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मैं तो न्यूज़ के मुताबिक जो खबर होती है उसके मुताबिक बात करता हूँ, रिसर्च के मुताबिक करता हूँ, बात करूँ। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप गलत कह रहे हैं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इंडिया वाले कहते हैं कि हम उन्हें कॉपी करते हैं कल्चर में, आप कह रहे हैं कि हम वो हम कोई सबूत दे दें ताकि इंडिया वालों, सच साबित नहीं हो सकती जब तक आप खुद जाके ऑब्जर्व नहीं कर सकते। और मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है, आप गए हैं इंडिया, स्क्रीन 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 में बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया हुआ है, डॉक्यूमेंट्रीज में ऑब्जर्व किया हुआ है उनकी, क्योंकि मैं ना माशाल्लाह से अभी चुनाव कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी भी कर रहा हूं ना, तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्री से पाला पड़ता रहता है, तो सामने नजर आता है बाकायदा ये चीज़ जी। ठीक है, चले ये इस टॉपिक को छोड़ते हैं, ये कल्चर वाली बात को, कोई फील्ड बताएं। ये कल्चर और फील्ड में थोड़ा सा शायद डिफरेंस होता है, फील्ड ऐसी बताएं, एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमी, छोड़ो सब कुछ छोड़ो, पाकिस्तान सबसे ज़्यादा खुश रहने वाला बंदा है, हैप्पीनेस इंडेक्स में हमने इंडिया को बहुत पीछे छोड़ दिया, हम लोग खुश मिजाज बंदे। फील्ड कोई बताएं ना भाई, ये खुशी है, हम खुश रहने वाले बंदे, फिर फील्ड में अच्छे हो या ना हो, चाहे पेट्रोल आगे चला जाए या हम पिसे हुए हों, मर रहे हों, लेकिन फिर भी हम लोग खुश रहने वाले बंदे हैं। और उसके अलावा अगर फील्ड की बात करें तो फिलेंथ्रोफी, चैरिटी वगैरह में तो हम लोग सबसे ज़्यादा चैरिटी लेने में या देने में ना वो तो आपको पता है कि वो ऊपर वाले तो चैरिटी लेते हैं, फिर हम लोग नीचे से आते हैं, फिर हम भी चैरिटी देते हैं, मतलब हमारा हाथ खुला हुआ है, लेते भी हैं देते भी हैं। चैरिटी की बात किसी हद तक मानने वाली है कि चैरिटी के हवाले से हम पाकिस्तानी जाने जाते हैं कि बहुत ज़्यादा चैरिटी लेते तो हैं, ये तो सबको पता है, लेकिन देते भी हैं। बहुत शुक्रिया जी। मजबूरी हो जाती है ना चैरिटी लेना, क्योंकि आपको पता है मुल्क भी चलाना होता है और उनका पेट भी भरना। चैरिटी चैरिटी से ही मुल्क चलता है। सियासतदान जो अपना पेट भरेंगे वो कहाँ से लाएंगे, वो चैरिटी मांगेंगे, और हम लोग ने सियासतदानों के जो पेट भरना है वो चैरिटी दे के कब करना है। यानी सियासतदान चैरिटी दे रहे हैं उधर से भी और हमारे से भी। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? महमूना। महमूना, क्या करती हैं आप?
मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं, ज़बरदस्त। अच्छा, मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि आपने कोई एक ऐसी फील्ड बतानी है जिसमें इंडिया पाकिस्तान को कॉपी करता है। अभी करंट एरा में तो मुझे नहीं पता कि किस चीज़ में कॉपी कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वो जो भी यहाँ तक पहुँचा है वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के रूल्स और पाकिस्तान की चीज़ों को ही फॉलो करके यहाँ तक पहुँचा। जो क्या मतलब, जो इंडिया यहाँ तक पहुँचा है वो पाकिस्तान के रूल्स को कॉपी करके यहाँ तक पहुँचा। हाँ, 90s में पाकिस्तान इंडिया से काफ़ी आगे था पार्टीशन के बाद। वो तो एक अलहदा बहस है कि 90s में या 18 में कौन आगे था, लेकिन रूल्स को अगर कॉपी किया तो इंडिया आगे चला गया। कॉमन सेंस वाली बात है। आप कह रही हैं कि रूल्स को कॉपी करके, पाकिस्तान के रूल्स को कॉपी करके इंडिया हमारे से आगे चला गया, तो फिर पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया? पाकिस्तान पीछे रहने की बात नहीं, आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि किस चीज़ को कॉपी कर रहा है, तो मुझे ये लगता है कि तो ठीक है, वो क्वेश्चन हो गया, वो भी अब आपका आंसर ठीक है या गलत वो तो ऑडियंस बताएगी, लेकिन अगर पाकिस्तान को कॉपी करके वो आगे आया है तो फिर पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की की तरफ जा सकता? वो एक अलग इशू है कि पाकिस्तान जो है अपने झमेलों में पड़ गया, पार्टीज़ के चक्रों में पड़ गया। हम पाकिस्तानी नहीं, हम नून लीग PTI बन गए, तो उस वजह से पाकिस्तान जो है तरक्की की तरफ काम नहीं कर पा रहा। तो लेकिन ना इंडिया जो है वो इंडिया है, तो उन्होंने इस्लाम के, पाकिस्तान के रूल्स को ही फॉलो किया है। बेशक वो इस्लाम को नहीं मानते, लेकिन जो हमारी किताब में लिखा है, कुरान मजीद में लिखा है कि किस तरीके से मुल्क तरक्की कर सकते हैं, उन्होंने वो सारे रूल्स फॉलो किए हैं। नहीं, ठीक है, आपकी अपनी ओपिनियन है, मैं ये नहीं कहता कि आप गलत कह रही हैं, आप अपनी सोच के मुताबिक बात कर रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च की अभी ज़रूरत है। आप जाके देखें कि वो किन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, क्या वो इस्लामिक रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या किसी और रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो इस्लामिक रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो एक डेवलप्ड कंट्री है और इसके अलावा वो सेकुलर कंट्री है। इस्लामिक, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस्लामिक रूल के मुताबिक कोई कंट्री तरक्की नहीं कर सकती? मैंने ये बात बिल्कुल नहीं की कि इस्लाम की तो मैं बात नहीं कर रहा, अभी टॉपिक ये आप अलग ही बात है। मैं उस बात का, मैं आपको इस चीज़ पे, इस चीज़ का भी आंसर दे देती हूँ कि मैंने इस सेंस में बोला कि वो इस्लाम के रूल्स को फॉलो करें, उनको नहीं पता कि वो इस्लाम के रूल्स को फॉलो करें, लेकिन वो इस्लाम के रूल्स को इस तरह फॉलो करें क्योंकि इस्लाम, आप जब देखें खुल्फाए राशिदीन की, जो आप देखें कि उन्होंने किस तरीके से वो अपने दौरे हुकूमत में अपनी चलाते हैं, यानी आप उसको फॉलो करते हुए ना वो तरक्की कर रहे हैं, यानी कि उनको, उनके लीडर्स को पता है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी कंट्री को तरक्की की तरफ, इस उन्हें इंडिया वाले इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं लेकिन उन्हें पता नहीं। इंडिया नहीं, मैं तो हर कंट्री की बात करूँगी जो तरक्की याफ्ता मुल्क है, अगर आप उसकी बेस में जाके देखें ना, जो रूल्स वो लोग फॉलो कर रहे हैं ना, वो आपको हमारी किताब में, हमारे जो पैगंबर गुजरे हैं उनकी रूलिंग, जो उनका एक स्टाइल था, उस सब में वो चीज़ें आपको मिलेंगी जो अब एक डेवलप्ड कंट्री में आपको मिलेंगी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि वो हम लोगों को, क्योंकि हम एक इस्लामिक कंट्री हैं, हमें वो चीज़ें फॉलो हम करते थे, तो फिर हम क्यों नहीं फॉलो करते? चलें ठीक है, आपकी बात एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि इंडिया या अमेरिका जो भी डेवलप्ड कंट्री हैं वो इस्लामिक रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, लेट्स सपोज, तो फिर हम तो एग्जैक्टली इस्लामिक कंट्री हैं, तो हम क्यों नहीं फॉलो कर रहे? और अगर फॉलो कर रहे हैं तो हम खुद क्यों नहीं तरक्की कर रहे, बाकी हमारे से कॉपी करके तरक्की करी जा रहे हैं? हम लोगों के ना मसला ये है कि हम लोग भी तरक्की कर रहे थे जब हम एग्जैक्टली इस्लामिक रूल्स को फॉलो कर रहे थे, जब पाकिस्तान बना था कायदे आज़म के बाद, जितने भी वो आए प्राइम मिनिस्टर ज़ियाउल हक की बात करूँगी, उन्होंने यूज़ किया इस्लामिक रूल्स को, तो उस वो टाइम ऐसा था कि हम बेहतर थे, बहुत सारी कंट्रीज़ से हम बेहतर थे, इवन कि इंडिया से भी बेहतर थे तब। तो जब हम फॉलो, अब इंडिया हमारे से बेहतर? हाँ डेफिनेटली, मैं जो सच उस चीज़ से तो डिनाई नहीं कर सकती ना, लेकिन उन्होंने हमारे रूल्स को फॉलो करके वो एक मुकाम पे पहुंच गए, और हम सिर्फ अभी अपनी लड़ाइयों में पावर की गेम में लगे हुए हैं, ना कि हम ये नहीं सोचते कि पावर अगर हमारे पास है तो उसको किसी पॉजिटिव वे में यूज़ किया जाए। बस हम लोग पावर लेने की, हमारे जो सियासतदान हैं उनको चाहिए कि पावर हमारे हाथ में हो तो हम खा सकें बैठ के, बस ये है। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय दी। इसे देखने वाले एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा आपको यही मशवरा है कि थोड़ा सा आप रिसर्च करें, आप देखें कि इंडिया किस रूल्स को फॉलो कर रहा है, कौन से रूल्स फॉलो कर रहा है, इंडिया की जो इकॉनमी है वो किस रूल के मुताबिक चल रही है, या इंडिया की जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो किस रूल के मुताबिक चल रहा है। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सिद्रा नईम। क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ भी हूँ और मैं जॉब भी करती हूँ। ज़बरदस्त, वुमेन एम्पावरमेंट। अच्छा, मेरा आज का टॉपिक ये है कि कोई ऐसी मतलब फील्ड बताएं, कोई ऐसी चीज़ बताएं जिसमें इंडिया पाकिस्तान को कॉपी करता है। इंडिया पाकिस्तान को कॉपी करता है, ऐसा तो मैंने कहीं पे भी नहीं देखा। हम तो खुद अपने गुर्बत के मारे हुए लोग, हमें तो भी अपने इनकम टैक्स वगैरह और इतनी अपने ही झमेलों में इतना उलझे हुए हैं कि हमें, आई डोंट थिंक हमें कॉपी करने का टाइम है, और इंडिया आई थिंक हमसे आगे ही है। अभी भी जो आए रेट्स आए, आई थिंक नहीं बल्कि कन्फर्म है आगे है बहुत सी फील्ड में, लेकिन यह कुछ पाकिस्तानियों को लगता है कि शायद हम उससे आगे हैं, तो इसलिए मैं पाकिस्तानियों से पूछ रहा हूँ
बताएं किस फील्ड में हम आगे हैं या किस फील्ड में इंडिया हमें कॉपी करता है? वो जो बंदे हैं जो ये कहते हैं वो मुझे लगता है नवाज शरीफ की टीम से ही हैं, क्योंकि वो भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं लोगों को, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको लगता है कि इंडिया हमारे से आगे आगे है? अगर इंडिया कहा ये जाता है, तस्वीर ये दिया जाता है वो हमारा एनिमी कंट्री है, तो लेट्स सपोज वो हमारा एनिमी कंट्री है लेकिन वो बेहतरी कर रहा है, तरक्की कर रहा है, हम उसको अगर अप्रिशिएट करें या उस चीज़ को एक्सेप्ट करें तो ये बुरी बात है? नहीं, बुरी बात नहीं है। बेशक अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ये चीज़, तो ये है कि हम लोग सब बैठ के खा नहीं सकते, लेकिन ये तो हज़रत सल्लम के दौर में भी था कि हम उनको बुरा भला नहीं कह सकते। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मियां नौशाद। मियां नौशाद क्या करते हैं? मैं रिसेंटली पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ हूँ, अभी zameen.com में सेल्स डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा हूँ। जॉब कर रहे हैं, ज़बरदस्त। मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि कोई ऐसी फील्ड बताएं जिसमें इंडिया कॉपी करता है पाकिस्तान को। बहुत सी फील्ड्स हैं जिसमें इंडिया पाकिस्तान को कॉपी करता है, लेकिन दो से तीन स्पेसिफिक फील्ड्स का मैं नाम लूंगा। फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाए तो इंडिया जो है मोस्टली तमिल फिल्मों में कि जो एक्टर हैं वो पाकिस्तानी एक्टर्स के स्टाइल को, उनके एक्शंस को कॉपी करते हैं। सुल्तान रही पंजाबी फिल्मों का एक बड़ा नाम है, तमिल एक्टर मोस्टली, यानी कि आपने एक्शन देखा होगा, वो गंडासा घुमा के अपनी यानी कि गोलरियों को, वो भी इसी तरह ही हैं। आपको लगता है कि तमिल मूवीज में जो एक्टर काम कर रहे हैं इस टाइम एक्टिंग कर रहे हैं वो पाकिस्तानी एक्टर्स को कॉपी? मोस्टली ऐसा ही है। उसके अलावा जो है म्यूजिकल इंडस्ट्री है उसमें भी हमारे वो सिंगर्स को कॉपी करते हैं। इब्रारुल हक का भी आपने एक स्कैंडल देखा होगा जो लास्ट था, तो एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री की बात हो गई, एक्टिंग की बात, कोई फील्ड ऐसी प्रॉपर? आईटी की फील्ड एक बहुत बड़ी फील्ड है, और पाकिस्तानी हैकर भी जो मैं कहूँगा कि इस टाइम दुनिया में काफ़ी ज़्यादा, व्हाइट हाउस का इन्होंने सिस्टम हैक कर लिया था लास्ट दिनों, आपने देखा होगा कि इन्होंने दो इंडियन न्यूज़ चैनल्स को भी हैक किया, और जहाँ पे ये आजकल बना हुआ था जो नमूसे रसालत का इशू भी आया। तो आपको लगता है कि आईटी की फील्ड पाकिस्तान की वो इंडिया कॉपी करते हैं? बिल्कुल, हमारे जो हैकर यहाँ से देख लें, हमने उनके दो न्यूज़ चैनल्स को हैक कर लिया है। तो ये बताता चलूँ कि इंडिया का जो आईटी सिस्टम है वो पूरी दुनिया में माना जा रहा है, माना जा रहा है, उसके बावजूद हमने उनके दो चैनल्स हैक किए हैं, हमने व्हाइट हाउस का सिस्टम हैक किया है, यानी कि इतना पोटेंशियल है पाकिस्तानी यूथ में तो बिल्कुल हैक किया, वो तो अलहदा इशू है। अभी पिछले दिनों ARY जो कि हमारा बहुत बड़ा चैनल है वो इंडिया वालों ने भी हैक कर लिया था, वो इशू नहीं है। मैं ये बात कर रहा हूँ जिसमें वो कॉपी कर रहा है, आपको लगता है कि आईटी की फील्ड में कॉपी कर रहा है? ठीक है, तो आईटी की अगर बात की जाए, इंडिया आईटी का हब है और इस टाइम पूरी दुनिया मान रही है कि आईटी में इंडिया मतलब बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, अगर इंडिया कॉपी कर रहा है पाकिस्तान को, चलें आपकी बात मान लेते हैं, अगर आईटी में वो कॉपी कर रहा है तो फिर पाकिस्तान क्यों पीछे है? मतलब जो कॉपी कर रहा है वो आगे और पाकिस्तान पीछे नहीं है। मुशर्रफ दो में इस टाइम मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद, यहाँ पे इतना ज़्यादा पैसा नहीं मिलता। अरफा करीम का नाम सुना होगा जिसकी डेथ हो गई है, उसके एक दो और भी इस तरह के नाम थे, US चले जाते हैं, UK चले जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपने यूथ के ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्ट करें। मोस्टली यानी कि जो भी है ना वो बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए मूव कर जाता है, मूव कर जाते हैं। लेकिन आपके ख्याल में आईटी की फील्ड को इंडिया कॉपी कर रहा है पाकिस्तान? बिल्कुल, लेकिन मेरे ख्याल में ये आपको सर्च करने की जरूरत है, आप एक दफ़ा सर्च जरूर करिएगा, ये आपके ख्याल है। ठीक है, मेरा गलत भी हो सकता है पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, आपने ये बोला है कि आईटी की फील्ड में इंडिया कॉपी कर रहा है पाकिस्तान को, तो कोई ऐसी चीज़ बताएं कि जो आईटी के हवाले से पाकिस्तान ने पहले डेवलप की है, अब उसे इंडिया ने बाद में डेवलप किया है? एक्यूरेट मुझे एग्जैक्ट याद तो नहीं है, क्योंकि मेरा आईटी का बैकग्राउंड नहीं है, सेल्स का बैकग्राउंड है, लेकिन मोस्टली मेरे दोस्त जो सॉफ्टवेयर हाउस में होते हैं, तो जब हम बैठे होते हैं डिस्कशन होती रहती है, तो उनके मुंह से भी मैंने सुना है काफी दफा कि इंडिया पाकिस्तान को आईटी की फील्ड में भी कॉपी करता है। चलें ठीक है, ये आपकी राय है, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लोगों की राय, स्टूडेंट्स की राय आप तक मैंने पहुंचाई, और मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर प्रॉपर किसी फील्ड के बारे में बात की जाए, लाइक एजुकेशन की या फिर इकोनॉमी की बात की जाए, पॉलिटिक्स की बात की जाए, हेल्थ सेक्टर की बात की जाए, मैं नहीं समझता कि किसी भी फील्ड में इंडिया पाकिस्तान को कॉपी कर रहा है। लेकिन ज़रूरत इस टाइम पाकिस्तान को है कि वो कॉपी करे इंडिया को, कॉपी इस सेंस में करे कि बेहतरी के लिए, कैसे हम कॉपी करें ना सिर्फ इंडिया के जितने भी इस टाइम डेवलप्ड कंट्री हैं या डेवलपिंग कंट्री हैं उनमें जो जो चीज़ें बेहतर हो रही हैं उनको पाकिस्तान को चाहिए कि वो कॉपी करें और खुद को बेहतर करें। ये थी आज की वीडियो, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मिलते हैं। ये था एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो, और इसमें मुझे लग रहा था कि इस जो चीज़ हमने देखी अभी इसका उल्टा पुल्टा होगा कि पाकिस्तानी बहुत ही ज़्यादा ये बोलेंगे इसमें कॉपी है, इसमें कॉपी है, ये कॉपी है, वो कॉपी है, वाला फलाना 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 सब कुछ कॉपी है, और ये सब कुछ बोलेंगे इसका उल्टा हो गया, मतलब
अलग ही बोल दिया, मतलब इंडिया कॉपी नहीं करता है ज़्यादातर लोगों ने बोला, लड़की ने भी बोला, एक लड़की आई थी भाई बहुत बहस कर रही थी, उसको ये बहुत ज़्यादा समझा भी रही थी, मुझे बहुत हंसी आ रही थी भाई, वो जैसा सोचती है या जो उसकी वो है, आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है। और उस बंदे को भी बोल दिया उन्होंने लास्ट में, जो बहुत सही मतलब पॉइंट उससे बात कर रहा था, अपने सही नेचर से बात कर रहा था वो बंदा लास्ट में जो आए थे, जो सेल्स डिपार्टमेंट में थे, आईटी में ही किसी कंपनी में काम कर रहे थे शायद। सो उन्होंने बहुत सही बात की कि हाँ कॉपी कर रहा है। तो उन्होंने हैकिंग की बात की, हैकिंग फील्ड अलग हो गई, चलो आईटी डिपार्टमेंट को ही आप उसमें मानेंगे, लेकिन हैकिंग इधर से भी हुई उधर से भी। इस बंदे ने बताया कि ARY का भी उन्होंने हमारे इंडिया ने यहाँ पर हैक कर लिया था, तो दो चैनल पाकिस्तान ने हैक करे, तो वो बात सही है करे, लेकिन हाँ यहाँ डेवलपमेंट की भी बात इन्होंने सही उठाई है कि अगर कॉपी है तो डेवलप जो कॉपी कर रहा है वो आगे क्यों है। कभी एक मैडम आई थी, उन पर मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि मुझे नहीं लगता कि इंडिया कॉपी करता है, अगर ये ऐसा कुछ जो बोल रहे हैं वो शहबाज शरीफ की पार्टी से ही होंगे जो बोल रहे हैं। सो वो फनी भी मूवमेंट थे इसके अंदर, लेकिन हाँ ज़्यादातर लोगों ने अपने ओपिनियन इसमें रखे कि कॉपी करता है, लेकिन मैं अपना ओपिनियन अगर बताऊँ तो मुझे बाकी फील्ड्स का तो नहीं पता कि इसमें कॉपी क्या करता है या नहीं करता है। इससे पता चलता है कि इस वीडियो से कि वहाँ के लोगों को भी लगता है कि किसी और फील्ड में तो नहीं करता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा IT डिपार्टमेंट हमारा बहुत ज़्यादा आगे है। लेकिन मुझे इतना पता है कि गानों पर कंट्रोवर्सी हमेशा रहती है, बॉलीवुड पर रहती है, साउथ तमिल की इंडस्ट्री का बताया उन्होंने कि पाकिस्तान से कॉपी करते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता, मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ मैं शौक के साथ देखी हुई है मैंने मूवी वगैरह साउथ की तमिल की, लेकिन गानों का मुझे पता है कि गाने कॉपी होते हैं। और अभी मैंने जो नच पंजाबन करके जो गाना था उस पर भी वीडियो बनाया है, छापा फैक्ट्रीज पर भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जो रीमेक या फिर कॉपी होकर नए नए गाने बनते हैं बॉलीवुड में, वो मैं मान सकता हूँ और वो मैंने माना भी है भाई। आपको पता है कुछ तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, आपके ओपिनियन पर छोड़कर आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।